हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है जीटी 5 की एक शानदार सी वीडियो में। और आज शानदार सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीटी 5 में डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड PS5। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के, किन स्पेसिफिकेशंस पे हम डिफरेंस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस पीसी भी बहुत तरीके के आते हैं और PS5 भी बहुत तरीके का आता है। तो चलिए पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं राइजन 9 3900X प्रोसेसर, 2080 Ti ग्राफिक्स कार्ड और 32 GB रैम विद SSD वाले स्पेसिफिकेशंस के PC और PS5 पे बात। तो चलिए बिना देरी के आपको मैं अंतर करके बताता हूँ इन दोनों स्पेसिफिकेशन वाले PS5 और PC में। गाइस, पहले मैं बात करूँ प्राइसिंग की, PC की क्या प्राइसिंग होगी इस स्पेसिफिकेशंस में। तो गाइस, अगर आप PC लेंगे इस स्पेसिफिकेशंस का, कम से कम 2-2.5 लाख का पड़ जाएगा, बहुत महंगा होगा और नॉर्मल आदमी के अफोर्ड के बाहर होगा। अब बात करूँ मैं PS5 के स्पेसिफिकेशंस का, ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पड़ेगा मात्र 50,000 का। 50,000 से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा सस्ता रहेगा। और आपका अगर केवल गेमिंग का ही मोटिव है तो आप PS5 को खरीद सकते हैं, पर PC में और दूसरे काम भी आप कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो PC ही बेस्ट रहेगा, PS5 बेस्ट नहीं रहेगा, पर PC कॉस्टली रहेगा। चलिए अब बात करते हैं GT5 की कॉस्ट के बारे में, कि GT5 इन दोनों ही कंसोल्स में क्या कॉस्ट करेगा। तो गाइस, अगर मैं PC की बात करूं तो PC में ये इस टाइम कॉस्ट करेगा 2099 रुपीज़ का, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब बात करते हैं अब PS5 की कॉस्ट के बारे में, जो कॉस्ट करेगा कम से कम 1037 का, क्योंकि अभी समर डिस्काउंट चल रहे हैं, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं गाइस, तो समर डिस्काउंट चल रहे हैं, तो ये काफ़ी सस्ता है। नहीं तो ये आपको कम से कम 2044 रुपीज़ का मिल जाएगा, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉर्मल सा है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और ज़्यादा महंगा भी नहीं, दोनों की प्राइस एक सी है। गाइस, बात करते हैं कितनी स्टोरेज आपको खाली रखनी पड़ेगी PC में। तो PC में 90 GB मिनिमम खाली रखना पड़ेगा। आप उससे ज़्यादा खाली रखें तो अच्छा है, लेकिन उससे कम खाली नहीं रख सकते हैं। बात करें PS5 की, 88.67 GB स्टोरेज खाली रखनी पड़ेगी, उससे कम स्पेस पे काम नहीं चलेगा। अब मैं इस पे दोनों में कंक्लूजन दूं तो मेरे हिसाब से तो भाई दोनों एक ही तरीके की स्पेसिफिकेशन सकते हैं। हालांकि 1.5 GB का अंतर है, लेकिन मैं इसे एक सा ही मानूंगा, क्योंकि इतने बड़े गेम में 1.5 GB कहीं कोई मायने नहीं रखता। चलिए आगे बात करते हैं। बात करूं मैं परफॉर्मेंस की, PC में अगर आप गेम चलाएंगे तो थोड़ा परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन लैग फ्री चलेगा। आपको जो ग्राफिक्स है, जो आप ग्राफिक्स चेंज करते हैं सेटिंग्स में जाके, जो स्पेसिफिकेशंस में ग्राफिक्स चेंज करते हैं, वो आप PC में कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं PS5 में, स्लाइटली स्लो रहेगी परफॉर्मेंस, लेकिन आप ग्राफिक्स ऑप्शंस को चेंज नहीं कर सकते, यानी जो सेट है ग्राफिक्स वही आएंगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन होती ही नहीं है जो PC में होती है, तो ये एक ड्रॉबैक है PS5 का। PC में ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्राफिक कार्ड, PC स्पेसिफिकेशंस एंड योर मूड, अपने मूड के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन PS5 में आपको वही खेलना पड़ेगा जो आपको डिफॉल्ट मिलता है आपकी DVD में आपके PS5। बात करें गाइस 1080p पे कैसे चलेंगे PC में GT5 और PS5 में। तो गाइस, आप देख सकते हैं PS5 में थोड़ा ब्राइटर चल रहा है, थोड़ा लुक्स बहुत शानदार है, टेक्सचर बहुत क्लियर है और शार्प टेक्सचर है, और आपको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ भी डल सा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही शानदार इसके ग्राफिक्स रहेंगे। अब बात करें PC के, PC में थोड़ा आपको डल मिल सकता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्राइटनेस कम रहेगी, थोड़ा सा आपको फॉगी टाइप मिलेगा, यानी थोड़ा धुंधला टाइप मिलेगा, और टेक्सचर्स भी थोड़े स्लो होंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशंस कर सकते हैं। और थोड़ा मैं तो ये कहूँगा ग्राफिक्स के मामले में PS5 बाजी मार लेता है, PC थोड़ा पीछे रह जाएगा वॉइस के मामले में। अब गाइस बात करें कि PS5 में, तो PS5 को आप 4K के किसी भी मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट करके बहुत बढ़िया चलेगा, ग्राफिक इतने ज़्यादा एनहांस होंगे आप कहेंगे मैं RTX मोड में ही खेल रहा हूँ। बट बात करें PC के मामले में, PC में आप कोई मॉनिटर साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते 4K किसी भी टाइप का नहीं, इस कारण जो आपके ग्राफिक्स है वो एनहेंस नहीं रहेंगे, ग्राफिक्स थोड़े डल रहेंगे, आपको थोड़ा मैनेजेबल करके चलना होगा, यानी एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी इसमें तो आप नहीं लगा सकते PS5 में, लेकिन PC में तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन PS5 में जरूर आप 4K का मॉनिटर कनेक्ट करके मस्त मज़ा ले सकते हैं। मैं इस बात करूँ निशानेबाजी की,
तो कहने की जरूरत नहीं है, पीसी की जो निशानेबाजी है वो काफी कंफर्टेबल है। अकॉर्डिंग बात करें अकॉर्डिंग टू PS5 में ऑटो एम अगर ऑफ कर दिया जाए, निशानेबाजी करना मुश्किल है, बंदा मारना मुश्किल है और आपका गेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बात करें पीसी से, पीसी कंट्रोल्स के मामले में पीसी का कोई मुकाबला नहीं है, PS5 फेल हो जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, जो आपको कंसोल में वाइब्रेशन मिलेगी आपके, वो वाइब्रेशन भी बहुत शानदार होती है और आपको एक रियलिस्टिक लुक मिलेगा जब आपकी गाड़ी टकराएगी, कहीं एक्सीडेंट होगा या कहीं से आपको कुछ बढ़िया आप गाड़ी को मूव करेंगे तो आप वाइब्रेशन आपको अच्छी मिलेगी। पर एम के मामले में फेल हो जाती है PS5 और पीसी एम के मामले में चीज़ों को जीत लेता है, क्योंकि एमिंग बहुत ज़्यादा शानदार है PS5 PC में। वो ये भी सकता है कि हम सबका हार्ट PC में बैठा हुआ है इसलिए हमें PC पसंद आ रहा हूँ, पर जिन लोगों को PS5 पसंद है वो PS5 में भी बढ़िया करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। गाइस बात करते हैं इसकी आखिरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, FPS की बात करें, मॉनिटर्स कनेक्ट करके आप जो PS5 है उसमें 100 से 150 FPS तक ले सकते हो बहुत ही आराम से, इससे ऊपर FPS PS5 नहीं दे सकता। लेकिन बात करूँ मैं PC की, PC आपको केवल 60 से 70 FPS ही देगा, चाहे आप कितना भी ग्राफिक कार्ड एनहेंस कर दो इसके ऊपर ग्राफिक्स नहीं जाते, क्योंकि गेम की ग्राफिक्स यहीं तक सेट हैं केवल। आप बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के बजट पे, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बजट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप PC लें, क्योंकि गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग और दूसरे काम भी आप इस पर कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो कि PS5 और PC के GT5 में क्या अंतर होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अगर आपको मज़ा आया तो क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।